टुडे वी आर गोइंग टू एक्सप्लोर नैनीताल, सो लेट्स कम एंड सी हाउ ब्यूटीफुल इज इट दिस प्लेस। सो हम लोग यहाँ पे हल्द्वानी तक बाई ट्रेन आए हुए थे एंड आफ्टर डैट हमें हल्द्वानी से यहाँ बस मिल गई थी नैनीताल के लिए और उसकी कॉस्ट थी 85 रुपीज़ पर पर्सन। सो हम लोग अब यहाँ पे नैनीताल आ चुके हैं एंड जैसा कि जाना है नैनीताल काफ़ी ब्यूटीफुल प्लेस है, काफ़ी अच्छा है, तो हम लोग चलते हैं देखते हैं क्या वाकई में वो इतना अच्छा है। तो चलिए कम विद मी। सो गाइस हम लोग बस स्टैंड से डायरेक्ट एंट्री लेते हुए आए और हमें सामने ये नैनी झील देखने को मिली और काफ़ी ब्यूटीफुल का प्लेस है ये और जिसकी स्टार्टिंग की डेप्थ 20-30 मीटर है और इनका जो सेंटर साइड है वहाँ उसकी तो कोई डेप्थ ही नहीं है, आज तक कोई कंसिडर ही नहीं कर पाया है। लोगों का कहना है कि वो फादर लोग से भी कनेक्टेड है और काफ़ी ब्यूटीफुल से यहाँ पे फिशेस वगैरह भी हैं और काफ़ी अच्छे लोग हैं। चलिए यहाँ किसी से मिलते हैं, बातचीत करते हैं। लाइक दैट हमारे सामने भैया जी हैं, काफ़ी स्मार्ट से लग रहे हैं, फोटो शूट कर रहे हैं, इनसे ही बात कर रहे हैं। भैया कहाँ से भैया? तो आप यहीं के रहने हैं? अरे अच्छा, सूरज है तो घूमने ही आए होंगे, तो कैसा है यहाँ के बारे में कुछ बता सकते हैं? फर्स्ट हमारा प्लेस है, आप विजिट कर रहे हैं। अभी जो नेक्स्ट यहाँ के 7 पॉइंट बता रहे लोग, काफ़ी अच्छे हैं देखने जैसे। फर्स्ट हम ये लेक व्यू इन्जॉय कर रहे हैं, बाद में लोग बोटिंग आप बोट वगैरह बोटिंग करने वाले हैं। आप भी बोटिंग करने वाले हैं? हम लोग भी जाने वाले हैं। और आपको यहाँ आगे कैसा लगा? नाइस प्लेस। ऐसे ठंड थोड़ी सी ज़्यादा है, आप तो यूपी से हो तो आपको आदत है ठंड की, हमारा सूर है, हमारे वहाँ ठंड वंड नहीं होती। हाँ, वहाँ तो काफ़ी गर्मी है। हाँ गर्मी होती है, ठंड तो मतलब कुछ रेयर 15 डिग्री टेम्परेचर होता है, यहाँ -3 था रात को। ठीक है, थैंक यू सो मच, टू मीट यू। तो गाइज यहाँ पे हम लोगों ने टिकट ले लिया है 2 बोर्ड का, हमारे साथ भैया लोग भी चल रहे हैं, तो एक्चुअली यहाँ पे ईच बोर्ड हम खाली 3 ही लोग अलाउ हो सकते हैं, तो हमें 2 बोर्ड करनी पड़ेगी है और हमारी बोर्ड का जो प्राइसिंग है 210 रुपये है। तो गाइज एक साथ चलते हैं, बोटिंग का मजा लेते हैं और आई होप सब चंगा रहे। गाइज वैसे तो हमें बहुत डर लग रहा है पर इट्स ओके, फाइन हमारे साथ फाइनली भैया है तो हमें थोड़ा कम डर लग रहा है और एक हमारे भैया वो 2 उधर है। हाय गाइस, भैया कैसा लग रहा है? अरे भाई एक्चुअली क्या हुआ गाइस, हाँ उनके साथ में जो भैया बैठे हुए हैं उनको सुनाई कम देता है, तो वो भैया हम लोग से कह रहे थे पर हमें तो नॉलेज लेनी थी भैया से, तो हम लोगों ने उनको उधर शिफ्ट कर दिया है। पर कोई ना, अभी हम लोग को भैया इधर 2 मंदिर घुमाएंगे। पहले तो ये 2 पार्ट में डिवाइड था पर अब ये 3 पार्ट में डिवाइड हो गया है, तो तीनों लोग का अलग अलग एरिया होता है। आई थिंक यहाँ का क्या वो होता है क्या भैया, जैसे कि नगर पालिका से हुआ है तो सबको अलग अलग एरिया बांट दिया गया है, कोई किसी के एरिया में चला नहीं सकता। चलान कट जाता है क्या भैया? चालान कट रहा है यहाँ दूसरे के एरिया में भी, पानी में भी साधन सेफ नहीं है अब तो। अरे यही इन्हीं के मालिक है। अरे भाई वाला मंदिर हम लोग ले जा रहे हैं। तो गाइस ये हमारी पाषाण देवी का मंदिर है, तो भैया ये तो काफी टाइम पुराना है, ऑलमोस्ट कितना टाइम होगा? पहाड़ों में बनी माता रानी। सो गाइस आप देख सकते हैं यहाँ का व्यू कितना ब्यूटीफुल सा आ रहा है, चारों ओर पहाड़ ही पहाड़ एंड बस हमारा लक थोड़ा सा बैड था कॉज स्नो नहीं हुआ है यहाँ पे, बाकी सब कुछ मस्त है। और देखिए वहाँ से हमारा झील कितना प्यारा लगता है और गाइस जहाँ पे हम लोग बैठे हुए हैं ना मजा आ गया गाइस एकदम। बट यू नो व्हाट गाइस, मुझे ये सेफ्टी किट पहन के ऐसा लग रहा है मैं सिविल इंजीनियर हो गया हूँ। हाँ टोपी बाकी है, कंप्यूटर साइंस से सिविल में आ गया भैया। और सैंडी भाई कैसा लग रहा है? यहाँ पे अभी तैर रहे हैं। मतलब वो क्या बोलते हैं ना, पानी साफ कर रहे हैं, हाइड कर रहे हैं पानी। ब्लॉगर बैठे हुए, देखिए दुनिया के हर कोने में नया नया टैलेंट है, देखिए वो भाई साहब क्या नाम है आपके चैनल का? राणा अमित ब्लॉग जी। देखिए उधर से, हाय टू माय ब्लॉग भैया।
अरे आए करिए आए, देखो भाई 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 वाले भैया उधर वाले और ये स्मार्ट वाले जो भैया है ये बस गर्लफ्रेंड से परेशान होके छुट्टी पे आए अरे भाई भाई भैया ये हम लोग अगर उधर से घूम के आते तो रोड से आना पड़ेगा सड़क बोलते हैं। वो आप जो एकदम स्ट्रेट पे देख रहे हैं वो हमारी नैना देवी जी का मंदिर है और काफी यहाँ का प्रसिद्ध मंदिर है। तो अभी हम लोग तो यहाँ पे लेक में हैं, तो अभी यहाँ से हम लोग बोटिंग करके जब निकलेंगे तो उसके बाद हम लोग जाके ये मंदिर ही कवर करने वाले हैं। इसकी काफी सारी मान्यताएं हैं और काफी प्रसिद्ध मंदिर है यहाँ का। और ऐसा है कि यहाँ की जो रोड्स हैं यहाँ माल रोड जितनी भी हैं, मंदिर मस्जिद गुरुद्वारा तो हर टाइप का यहाँ पे चर्च वगैरह सब कुछ है यहाँ पे। तो आप जरूर यहाँ से आइए। और तालों की सिटी, नैनीताल भी इसे बोला जाता है। और काफी ब्यूटीफुल सा है, देख सकते हैं आप पहाड़ों में कैसे छोटे छोटे से और ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल से घर है। जैसे कि आप बैक साइड पे देख सकते हैं, दूर से देखिए कितने छोटे छोटे से वो घर दिख रहे हैं हमारे। और आई होप कि हमारा भी यहाँ घर होता। हम तो ये हाय जैसे राम, कैसे हैं अंकल आप? मैं बढ़िया हूं सर। राधे 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 राधे। पुड़ी फसा तो पुड़ी का पुड़ी लेके घर मेरा तो चल ले पुड़ी खड़ी। अब आ जाओ यहां पुड़ी। अब चलते हैं। आप कैसा इनको इसमें समझाना है ना पूरा। हां ये देखोगे हिमालय पॉइंट, जैसे पूरा हिमालय रेंज, रानीखेत, अल्मोड़ा, कौसानी का भी मिलेगा पूरा टॉप से एकदम। फिर आ जाएगा नैनीताल का लेक व्यू पॉइंट पूरा मैंगो शेम में। नैनीताल देखोगे यहां पर कोई मिल गया विवाह क्रिस्ट का शूटिंग हुआ हिंदी मूवी का। सूखा ताल ट्राई लेके जो 6 महीने भरा, 6 महीने सूखा रहता है। फिर लेके चलेंगे 12 फत्ता ट्रैकिंग एरिया जहाँ रॉक क्लाइंबिंग रैपलिंग होती है ऊपर में। लवर्स पॉइंट, सुसाइड पॉइंट आ जाएगा। यहाँ से हॉर्स राइडिंग वगैरह करना चाहोगे 5 से 7 मिनट की हॉर्स राइडिंग रहती है। इसी को लवर पॉइंट और इसी को सुसाइड पॉइंट ऊपर नीचे बने हुए हैं। तो निपट भी गए थे वहाँ बन गया दोनों हो गया था। एक आ जाएगा आपका, एक आ जाएगा आपका ट्रॉली वाला पॉइंट स्नो व्यू। इसमें जाते हैं एक जने का 350 परवंदा लगता है जिस पॉइंट पे ट्रॉली लेके जाती है ना ऊपर में, वहाँ पर गाड़ी से लेके जाऊंगा 350 आपका रोपवे का बच जाएगा। एक आ जाएगा ठंडी गुफा जिसके अंदर चल ढाबा टाइगर केव है क्या? टाइगर केव नीचे आता है हमारा एसी कैफ आएगा अंकल। हाँ एसी कैफ जो नेचुरल हवा निकलती है। ये 7 करोड़ घुमा के लेके आएंगे आपको हेड ऑन की नेचुरल हवा निकलती है। ये एप्पल वाले के ऐसे ही कुछ बनाया था। ऐसे वाले के खड़े हैं सामने। अरे अंकल जी क्या बनाओ बड़े। अरे भाई भाई बनाओ। हाँ ठीक है आगे बताओ। 7 करोड़ आप पन्ने तो बहुत ही सारे। गाइस हम लोग ऊपर की ओर आए हुए हैं। तो अब हमें यहाँ स्नो पॉइंट पे एक टेंपल दिखा हुआ है काफी अच्छा, और यहाँ पे शिव जी का है और काफी सारे भगवान जी हैं। तो चलिए इसी के साथ अब अंदर चलते हैं और देखते हैं कितना बढ़िया। और बाय द वे काफी टॉप हिल पोजीशन पे है और मस्त भी मंदिर है। चलते देखते हैं भगवान। और भी ज़्यादा ब्यूटीफुल लगता है। और गाइस काफ़ी कोल्ड है यहाँ, टाइल्स वगैरह मार्बल्स वगैरह लगे हुए हैं, बहुत कोल्ड फील हो रहा है। पर यहाँ काफ़ी अच्छा मंदिर है। और अभी हम लोग आगे चलते हैं और काफ़ी चीज़ें कवर करते हैं और उसके बाद भी यहाँ माँ नैना देवी का मंदिर प्रसिद्ध मंदिर है तो वो देखेंगे हम इसी के साथ। और इसी के साथ फिर वापस नीचे चलते हैं और थोड़ा चाय तो पी लेते हैं क्योंकि बहुत ठंडा लगता है। तो गाइस अब हम लोग नैनीताल में ऊपर की ओर आए हुए हैं। तो यहाँ से मैंगो पॉइंट है, यहाँ से जो हम लोग अभी नैनी झील में थे यहाँ से कितनी ब्यूटीफुल सी लग रही है एकदम मैंगो के शेप में। लुक दैट, अब वहाँ देख सकते हैं कितना प्यारा नजारा है। हालांकि धूप लगी शायद आपको पूरा
ये अंकल हमारे यहाँ, ये हमारे यहाँ इस तरह के संतरा होते हैं, पर ये अंकल जी कुछ और बता रहे हैं। अंकल ये क्या है? ये पहाड़ का पहाड़ी माल्टा। पहाड़ का पहाड़ी माल्टा है, बहुत बढ़िया माल है पहाड़ का। और आप मतलब खट्टा होता है क्या? डबल मजा भैया, काला खट्टा है फिर। डबल मजा, डबल मजा। चलिए भाई फिर इसी के साथ इनका खा के देखते हैं काला खट्टा। वैसे पैसा कितना? गाइस हम लोग यहाँ पे आए हुए हैं, अब और थोड़ा ऊपर साइड में आए हुए हैं, तो पता चला ये एसी केव है। और हम लोग जैसे ही अंदर गए, छोटी सी केव थी, पर मुझे लग रहा है नीचे का रास्ता ब्लॉक हो गया हो, तो इसीलिए एसी की हवा आई नहीं। पर भाई बहुत ठंडा है, एसी से भी ज्यादा। खैर कोई नहीं, अब इसी के साथ हम लोग फोटो शूट करा के अब आगे जर्नी बढ़ते हैं। और आई होप आप लोगों को एंजॉय कर रहे हो हमारे ब्लॉग को, और इसी के साथ हमारे चैनल पे बने रहिए और आपको अच्छा लगेगा। ना लगे तो गाइज जिसका था आपको इंतजार, वो घड़ी आ चुकी है। और अब हम लोग फाइनली सुसाइड पॉइंट एंड एज वेल एज इसे लवर पॉइंट से भी नाम जाना जाता है, हम लोग वहीं पे पहुंच गए। यू नो व्हाट, अकॉर्डिंग टू मी, अगर दो थैंक यू सो मच। व्हाट्स योर नेम अंकल? आपका क्या नाम है अंकल? सिंपल भारद्वाज। अंकल जी भारद्वाज अंकल है। कहाँ से अंकल आप? हिमाचल। हिमाचल से अंकल। और बहुत मस्त अंकल है, दो मिनट में घुल मिल ऐसे गए मानो पुराना रिश्ता हो। काश हम लोग का पुराना रिश्ता हो। और शिमला ना? बिल्कुल बिल्कुल अंकल आएंगे। अंकल हमारा, हाँ वही। अरे अंकल जी आप भी बहुत मस्त है, कमेंट्री अच्छी करी थी आपने, आप भी हमारे चैनल पे आएंगे। ये सब अंकल एकदम कूल डूड वाले हैं, अपने टाइम पे रहेंगे। फाड़ू भाई, फाड़ू भाई, ओके चलो। थैंक यू। तो गाइस फाइनली हम ये लवर पॉइंट एज वेल एज जैसे सुसाइड पॉइंट से भी नाम से जाना जाता है, हम वहाँ पहुंच चुके हैं गाइस। और काफी ऑसम एंड कूल डूड हमारे दोस्त भी हैं यहाँ पे, मिल चुके हैं कुछ नए नए फ्रेंड्स। यू नो व्हाट, अकॉर्डिंग टू मी, जैसे कि मेरा मानना है, यहाँ पे एक ही टाइम पे दो चीजों का यार नाम कैसे हो सकता है? बट आई वॉज लाइक कि दो बंदों में प्यार, मतलब दो बंदा बंदी यार अलग अलग होंगे, उनमें प्यार हुआ यही जगह पे, तो नाम रख दिया लवर पॉइंट। और फिर भैया ना जमी, आजकल वैसे भी इतनी बहुत मां लगड़ाई झगड़ा हो जाए, भैया कूद गए हैं कि जने दूसरे जने कूद गए, सुसाइड पॉइंट हो गया। तो एज वेल एज हो सकता है यार, बट अकॉर्डिंग टू मी ऐसा है। बट कोई ना, आप लोग यहाँ का व्यू लो, और अगर अच्छी चल रही हो तो आओ बाबू के साथ लो, वरना जाओ कुदे लो। ठीक है पॉइंट पे एक और अचानक से मुझे बहुत अच्छा सा व्यू दिखाया है। एंड यू नो व्हाट, वो काफी दूर से अगर हम लोग देखेंगे तो वो नुमा आकृति लगती है, बट वो एक्चुअली ऐसा है नहीं। बट यार नेचर है यार, यहाँ पे तो कुछ भी बन सकता है, सब पॉसिबल है यार। और यू नो व्हाट, वो देखिए हिस्टोरिकल प्लेस टाइप का लग रहा है, और जैसे लग रहा है कोई वो क्या बोलते हैं उसको, हिस्टोरिकल प्लेस हो या किसी का मकबरा हो पुराना जमाने का। पर यू नो व्हाट, जो भी है बहुत मस्त लग रहा है, आप देख सकते हैं, जूम कर ले थोड़ा सा। और वो देखो वो बंगलो।
जाना हमारा नैनीताल में, काफी यहाँ का प्रसिद्ध मंदिर है और आप यहाँ पे माता जी की आइस भी है, यहाँ पे आइस लोग लेके मान्यता है वो यहाँ पे माँ को चढ़ाते हैं, तो हम भी लेंगे और आरती हो चुकी है, हम लोग आरती खत्म कर चुके हैं, 50 साल चढ़ा दिए, हम लोग वापस रूम की ओर जा रहे हैं। एंड यू नो व्हाट गाइस, सबसे इम्पोर्टेंट थिंग यहाँ इस मंदिर की ये है कि जब माता सती को जब सती हो गई थी हवन कुंड में, तो शिव जी जब उनको लेके जा रहे थे तो माता रानी का जो एक नैन था वो यहाँ पे गिरा हुआ था नैनीताल में, तो जिसको यहाँ पे नैना देवी शक्तिपीठ के नाम से जाना जाता है और उन्हीं के नाम से ये मंदिर बना हुआ है, उन्हीं के एक शक्तिपीठ में से एक शक्तिपीठ यहाँ पे भी है। सो गाइस कभी भी आइए नैनीताल, काफ़ी अच्छा मंदिर है, आप ज़रूर आइए यहाँ पे विजिट करिए, आपको काफ़ी अच्छा लगेगा। और इसी के साथ अपन चलते हैं रूम टूर, क्योंकि यहाँ का टेम्परेचर काफ़ी लो ता जा रहा है और बहुत ज़्यादा ठंड भी लग रही है। सो यहाँ के जो मैनेजर वगैरह हैं होटल के, ये बहुत अच्छे हैं, काफी फ्रेंडली नेचर है, हम लोग को भूख लगी थी तो इन्होंने खुद से रायता, हमारे यहाँ तो भैया रोग रायता फैलाते हैं, भैया ने तो रायता बना के दिया और भाई क्या गजब का रायता था। तो भैया से आइए कुछ जानते हैं यहाँ के बारे में। तो भाई व्हाट्स योर नेम भैया? जोगिंदर। जोगिंदर भाई साहब है, बहुत मस्त भाई साहब है। तो आपने कल रायता तो वाकई में बहुत बनाया था, भाभी ने सिखाया? ना ना खुद ही। अरे भैया थोड़ा है। तो अच्छा यहाँ के बारे में बताइए, लेक व्यू जो है आपका होटल, ये होटल हमारा बहुत पुराना है, काफी साल मेरे को यहाँ पे 7 साल हो गए, 7-8 साल हो गए, जो बहुत प्यारा है इधर से पूरा नैनीताल का जो ये नैनी लेक है, यहाँ ऊपर जहाँ हम लोग थे तो वहां से पूरा कवर होता है, हम लोगों ने शॉर्ट्स भी उसके बनाए हुए हैं, आप लोग देखेंगे तो अच्छा लगेगा। तो आप हमारे चैनल बास्केट ब्लॉगर की तरफ से आएंगे तो भैया 5% का डिस्काउंट दे रहा है, भैया से कुछ सुन सकते हैं? बिल्कुल 5% का डिस्काउंट मिलेगा आपको जो भी आता है बास्केट चैनल से, सॉरी। तो अगर हमारा चैनल का नाम बताते हैं तो भैया 5% का डिस्काउंट देंगे और भैया काफी हेल्पफुल है, भैया क्या पूरा नैनीताल में जितने भी लोग हैं यहाँ के बहुत बढ़िया कूल है और बहुत अच्छे फ्रेंडली नेचर के हैं, ये मुझे यहाँ की सबसे अच्छी खास बात लगी। और भैया नैनीताल तो भैया माँ नैना देवी का तो है ही यहाँ सबसे बढ़िया मंदिर, तो आइए यहाँ मस्ट विजिट करिए, थैंक यू सो मच भैया, वेलकम।